So today we are discussing 28th chapter in Charaka Samhita Sutrasthana, which is Vividashita Pitiya. So Vividashita Pitiya Adhyayam Vakyasyamaha Itismaha Bhagavan Atriyaha. तो अभी लास्ट में जो अन्नपान चतुष्क ये सब खत्म हो गया ना, तो अभी ये जो 28 एंड 29 30 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. तो ये 28th चैप्टर में हमने नेक्स्ट क्यों लिया, ये स्रोतस विमानी अध्याय होने के बाद तो क्या कुछ रिलेशन है दोनों में. तो स्रोतो विमानी अध्याय वी हैव सीन सो मेनी स्रोतसस, इजंट इट, व्हाट इज स्रोतस, स्रोतस होता क्या है, उसमें वाहमहन घटक क्या क्या है, उनके हिसाब से हमने स्रोतस देखे थे. अभी ये चैप्टर में उन सभी स्रोतसों के जो प्रधान स्रोतसस है, जैसे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक, इन सभी के दृष्टि के लक्षण, उन सभी के दृष्टि के हेतु और उनके चिकित्सा के बारे में भी बताया. इवन दो चैप्टर इज इन सूत्रस्थान बट इट इज ऑफ वेरी मच क्लिनिकल इम्पोर्टेंस. तो ऐसे थोड़ा अनटच्ड एरियाज, बहुत सारे काय चिकित्सा के पीजीज दे नेवर स्टडी सूत्रस्थान. चिकित्सा स्थान पढ़ते पढ़ते बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो सूत्रस्थान में ही अवेलेबल, वो हम भूल जाते हैं. तो उसके लिए अभी हम विविधाशित्य पीति अध्याय का अच्छे से पढ़ेंगे. तो इसमें द टाइटल इज विविध अशित पीत. तो विविध आप पता है आपको, अशित मीन्स जिसका हम सेवन करते हैं, खाते हैं वो अशित है. पीत मीन्स जो हम पान करते हैं. दोनों में अंतर क्या है, पान जो पीने के द्रव्य है, जो द्रव स्वरूपी आहार है उसको पीत ऐसा शब्द आता है, और जो घन है या पृथ्वी पार्थिव द्रव्य है उसको खाया जाता है ना, तो उनको अशित ऐसा आता है. तो अशित एंड पीत, सो विविध अशित पीतीय नामक अध्याय. इसमें श्लोक पढ़िए. ओद्रारो जंतुर्हितम् अन्तरं स्निग्धं संरक्षितबलेन यथास्वा उष्मणाः सम्यग् विपाकार्चमानि कालवदन अवस्थितसर्वधातुपाकम् अनुपहतः सर्वधातु उष्णो मारुतस्रोतः केवलं शरीरम् उपचय बल वर्ण सुख आयुष्य योजयति शरीर धातु ऊर्जयति च धातो हि धात्वमाना प्रकृति स अनुवर्तन. सो हियर व्हाट ही इज सेइंग, देयर आर सो मेनी आहार द्रव्यस, इजंट इट, बहुत तरह के हम एक ही तरह का खाना खाते हैं क्या, वो डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बना के खाते हैं ना, तो उसमें क्या क्या है, अशित पीत लीढ़. लीढ़ मीन्स क्या, जो लेहन होता है, जिसका हम चाटना बोलते हैं ना, ऐसा चट के जो खाते वो खादित, जो चबा चबा के खाते हैं. जंतोर हितम अंतरम अग्नि संदूक्षित बलेना, जंतो मीन्स यहाँ पे जो खा रहा है. तो अग्नि संदूक्षित बलेना यथा स्वेन उष्मणा सम्यक विपच्यमानम, वो आहार द्रव्य क्या हो रहा है, कैसे, अग्नि संदूक्षित बल से, जठराग्नि का संदूक्षित बल से, यथा स्व उष्मणा स्वेन उष्मणा सम्यक विपच्यमानम, सम्यक तरीके से उसका पाचन हो रहा है, कैसे, जठराग्नि से. वो कहां कैसे होता है, जो भी खा रहा है जैसे भी खा रहा है उसका पाचन होता है क्या, नहीं, तो कैसे, काल सही समय में खाया हुआ, काल उत्पन्न होने पर ही खाया हुआ, भूख लगने पर ही खाया हुआ आहार, वो काल है. नेक्स्ट, वदन अवस्थित सर्वधातु पाकम,
अनुपहत सर्वधातु ऊष्मं मारुत स्रोतः केवलं शरीर उपचयम्। अनुपहत है ये सब, उपहत नहीं। उपहत मीन्स डिस्टर्ब्ड विद द सर्कमस्टांसेस। जो काल उत्पन्न नहीं हुआ है खाया हुआ आहार, वो उसका पाचन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे वही आहार रस का डिस्कशन हो रहा है जो उपस्थित काल में सही समय पे खाया हुआ और अग्नि का संदूक्षित बल से पचन हुआ आहार रस। अनुपहत सर्वधातु ऊष्मा मारुत स्रोतः। अभी जो जठराग्नि का संपर्क में हम ग्रहणी अध्याय में देखे, जठराग्नि के संदूक्षण में आया, जठराग्नि के संपर्क में आया, उसके बाद वो धातुवाग्नियों का संपर्क में आया, वो अपने अपने धातुवाग्नि अपने अपने आहार रस का ग्रहण करके उन्होंने पचा के अपने धातुओं में सम्मिलित भी कर लिया। मांस रस का पोषण के लिए आपने कुछ द्रव्य दिए है, वो मांस रस का पोषण किया उसने। कैसे किया? मांस धातुवाग्नि से किया। ऐसे ही हर एक धातु अपने अपने ऊष्मा से अपने अपने अग्नि से पाचन करके उसने उसका पोषण किया खुद का। तो स्वधातु ऊष्मणा महास्रोत, अभी क्या हुआ? सर्वधातु ऊष्मा मारुत स्रोत केवलम शरीरम उपचयम। तो शरीर का, सर्व शरीर में, केवल शब्द का अर्थ क्या है? सर्व शरीर, पूरे शरीर में। केवल बोले तो ओनली ऐसा मीनिंग मत निकालो यहाँ पे। केवल शरीर में, ऑल ओवर द बॉडी, सर्व शरीर में उपचय बल वर्ण सुखायुषा योजयति। तो ऐसा आहार रस बल वर्ण और सुख को देने वाला है और आयु को बढ़ाने वाला है। ये आहार रस कौन सा? जो अनुपहत है, उपहत नहीं है, वो अब्स्ट्रक्ट या किसी भी अफेक्टेड नहीं है, ऐसा आहार रस से ये उपचित होता है। आयुष योजयति शरीर धातुन ऊर्जयति च, शरीर के धातुओं में ऊर्जा भी देता है। धातवो ही धात्वाहार प्रकृति अनुवर्तते। तो धातु प्रकृतिर अनुवर्तते, धातु फॉलो करते, क्या फॉलो करते हैं? आहार को ही फॉलो करते हैं। मतलब तो आपने जो आहार खाया वैसे ही धातु बनेंगे। धातवो ही धातु आहाराह प्रकृतिर अनुवर्तते। जो धातु है वो अनुवर्तन करते, अनुवर्तन करते मतलब क्या है? फॉलो करते है, या जैसे खाते है वैसे बनते है। आप आहार सिर्फ कटुरस का आहार खा रहे हैं या सिर्फ रुक्ष आहार का सेवन हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो धातु पोषण नहीं करेगा, धातु ऐसे ही बनेंगे फिर। धातुओं का ठीक से विकृत आहार का सेवन रोज हो रहा है तो विकृत धातु बनेंगे, तो शिथिल धातु बनेंगे। तो उनमें से अभी शुक्र अगर शिथिल बन गया तो गर्भोत्पत्ति का सामर्थ्य उसमें नहीं रहेगा। रक्त का शिथिलता हो गया तो रक्त के अंदर वो सामर्थ्य नहीं रहेगा बल वर्ण सुख ये सब देने का। तो ये श्लोक में क्या बता रहा है? ये चैप्टर का नाम ही विविध अशित पीति है, तो उसका इम्पोर्टेंस के लिए ये श्लोक बताया। तो जो भी हम आहार रस खाते हैं वो सही तरीके से अगर पाचन होके उसका रस सभी धातुओं को अपने अपने पोर्शन मिलेगा तो बल वर्ण सुख आयुष भी मिलेगा। ओके, सो दिस श्लोक डील्स विद द इम्पोर्टेंस ऑफ आहार। तो यहाँ पे देखिए, जो ये सभी आपने आपका इसके बारे में अध्ययन हुआ है अभी तक, एक एक रस, एक एक धातुओं के उपधातु क्या है, उनके सार क्या है, किट क्या है, हम देखे।
तो वैसे का रिपीटेशन है यहाँ पे। तो रस का किट क्या है? मल है। आहार का जो किट है वो मल है ना। तो ऐसे सभी धातुओं के किट और प्रसाद के बारे में यहाँ पे बताया। उन सभी का पोषण कैसे होगा? जो आहार रस ठीक होगा तो ही होगा। तो वही ते सर्व, ये श्लोक पे नीचे के लाइन पे आइए, ते सर्व एव धातुवो मलाख्याः प्रसादख्याश्च रसमलाभ्याम पुष्यन्तः स्वमानम अनुवर्तन्ते। ये सभी जो मल भी है, सार भी है, किट भी है, ये सभी का पोषण स्वमान में होना चाहिए। मतलब आहार रस ठीक से हुआ तो ही ये सभी का आगे का पोषण होता है। एवं रसमलौ स्वप्रमाणम अवस्थितानां आश्रयस्य समधातुर धातु सम्यक् अनुवर्तयतः। ये सम रहना और विषम रहना भी इनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। स्वप्रमाण में रहने के लिए ठीक से आहार रस का उत्पन्न होना और यहाँ पे उसका परिणमन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बता रहे हैं, निमित्तम वस्तु क्षीण वृद्धानाम प्रसादाख्यानाम धातूनाम वृद्धि क्षयाभ्याम आहार मूलाभ्याम रसः सम्यक उत्पादयति आरोग्यम आरोग्याय। अभी देखो, आहार का किट, सॉरी, जो धातुओं का किट भाग या प्रसाद भाग, इनमें जो क्षय और वृद्धि है, और अस्थि धातु का जो मल स्वरूप है वो केश है, उनके क्षय और वृद्धि के लिए हम अस्थि खिलाते हैं क्या? वैसे ही सम प्रमाण के सम औषधियों का कॉम्बिनेशन हम देते, कैसे खिलाते? अज अस्थि भस्म, अज का अस्थि का भस्म, या फिर जेल में जाओगे अस्थि दंत लाएंगे तो, ये हमारा एग शेल, कुक्कुट अंडा, त्वक, उसका भस्म, जो सिमिलर द्रव्य है उनका उपयोग हम करते हैं, तो वो चिकित्सा का पार्ट हुआ। अगर क्षय हुआ तो उसका चिकित्सा है। ऐसे जो किट्टम च मलायनसमेव स्वमान अतिरिक्ता, अगर वो स्वमान में नहीं है तो उसको हम स्वमान में लाने के लिए चिकित्सा कर रहे हैं। अगर जो स्वमान से भी बढ़ गए हैं, अब नेक्स्ट लाइन वही कहते हैं, स्वमानात अतिरिक्ता पुनर् उत्सर्गिण, जो अतिरिक्त हो गए स्वमान से भी बढ़ गए, तो उनका क्या करना पड़ेगा हमें? तब भी हमें चिकित्सा ही करना पड़ेगा उसका कम करने के लिए। शीतोष्ण पर्याय गुणैश्च उपचर्यमाणाः, तो उनकी चिकित्सा के लिए फिर हम गुण बेस्ड ही करेंगे ना। तो जो गुरु गुण ज्यादा बढ़ गया शरीर में, मल स्वरूप में बढ़ गया, तो उसका चिकित्सा हम क्या करेंगे? लघु गुण से, रुक्षा करने से, ऐसा हम चिकित्सा में उपयोग करते हैं। ये पता है, बेसिक है। नेक्स्ट जाइए, तेषां तु मला प्रसादाख्यानां धातूनां स्रोतस्यां मुख्यानि मुखानि तानि यथा विभागेन यथास्वं धातूनां पूरयन्ति एवमिदं शरीरम् अशीतं पीतलीढखादितं प्रभावम् अशीत पीत लीड खादित प्रभावश्च तस्मिश्च शरीरे व्याधयः भवन्ति पिता अहित प्रयोग विशेष तत्र शुभ अशुभ विशेषकर भवन्ति। तो ये श्लोक का तात्पर्य है कि ये जो अशीत पीत लीड और कौन सा अशीत पीत खादित लीड, ये जो चतुष प्रकार के आहारों का सेवन हो रहा है, तो इनमें इनके वजह से ही शरीर बना है। ये श्लोक का तात्पर्य है, तेषां तु मल प्रसादाख्यानां धातूनां श्रुतंसि अयनमुखानि तानि यथा विभागेन यथास्वं धातूनां पूरयन्ति एवं इदं शरीरं ये देखो शरीरं अशीत पीत लीड खादित प्रभवम्। प्रभवम का मतलब क्या है? प्रभवम मतलब जिससे उत्पन्न हुआ है, उससे ही उत्पन्न हुआ है। हमारे शरीर जो है अशीत पीत खादित लीड, इनके फलस्वरूप ही उत्पन्न हुआ है ना।
अब माता के गर्भ में जो बच्चा है वो बढ़ कैसा रहा है? माता के आहार से ही बढ़ रहा है। माता क्या खा रही है? यही चार खा रही है ना, उनके अलावा कुछ है क्या? तो ये अशित पीत लीड खादित, इन चार के वजह से ही शरीर बना है। प्रभावम शब्द है, अशित पीत लड खादित प्रभावश्च अस्मिन शरीरे व्याधयो भवंती। जो ऐसा जो शरीर बना है, व्याधि भी इनसे ही बन रहे हैं, यही खान पान से व्याधि भी बन रहे हैं अपने शरीर में। तो इसीलिए आगे कहते हैं हित अहित उपयोग विशेषाः, हित और अहित का ख्याल में रखे हुए हमें इन चारों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या होगा? शुभ और अशुभ कर्म होंगे, शुभ और अशुभ रिजल्ट आएगा। शुभ तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे तो शुभ रिजल्ट आएगा, अशुभ तरीके से अगर इस्तेमाल होता है तो फिर रिजल्ट भी अशुभ ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। एवं वादिनं भगवन्तं मात्रेण अग्निवेश उवाच। तो ऐसे जो ऐसे बताने पर आत्रेय जी का, ऐसा एक्सप्लेनेशन करने पर अग्निवेश ने वहां पे कुछ प्रश्न पूछा। एवं वादितम भगवंतम आत्रेय अग्निवेश उवाच, अग्निवेश ने कुछ प्रश्न पूछा। क्या पूछा? पिता समाख्यातम के आहारम उपाय इंजनाम गादिवंत अगादश्च तथैव अहित असमाख्यातम एवं दुष्टे खतम ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो, हित समाख्यातम अपि आहारम उपयुक्जानाम व्याधिमंतश्च। तो ये इसका मतलब क्या है? हितकर आहार सेवन करने वाले लोगों को भी व्याधि होते हैं, होते कि नहीं? हम सिर्फ पत्ते ही आहार खाते हैं, हम कोई अपत्य नहीं करते, हम बहुत अच्छा खान पान करते हैं, हम कोई अपत्य का सेवन नहीं करते, तो हमें व्याधि नहीं होना चाहिए ऐसे तो, लेकिन होते ऐसा दिखता है। तो अग्निवेश इज मोर इन ओपीडीज देन इन कॉलेज, इजंट इट बरिस्ट। तो जब अग्निवेश जी क्लिनिकल ओरिएंटेड थे तभी ये प्रश्न आया ना उनको, उन्होंने क्या प्रश्न पूछा? ऐसे बहुत लोग देखे जाते हैं जो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत अच्छा खान पान करते हैं, बहुत अच्छा उनका आहार विहार सब रहता है, लेकिन ऐसे लोग भी व्याधित होते हैं। और आगे कहते हैं तथा अहित समाख्यातम तो एवं दृष्टे कथम हिताहित उपयोग विशेषात्मकम शुभाशुभ विशेषम उपलब्धम आह इति। तो ये कहते हैं कि ऐसे लोग भी है जो कभी हितकर आहार नहीं खाते, वो सिर्फ गंदा ही खाते रहते, लेकिन वो कभी व्याधित नहीं होते हैं। वो कहते हैं ना, ये 20 साल से पी रहा है इसको कुछ नहीं हो रहा है, 25 साल से शराब पीता है, 30 साल से सिगरेट पीता है, इसको कुछ नहीं होता है हाँ? और ये बंदा इतना अच्छा खान पान करता है, इसको लिवर सिरोसिस हो गया, देखने को मिलता है ना ऐसा। वो ये जेन्युइन प्रश्न है ना। तो इसका उत्तर आत्रेय जी क्या कहते हैं देखिए, बहुत बहुत सुंदर आंसर उन्होंने दिया इसका। तम उवाच भगवान आत्रेय न हिताहार उपयोगिनाम अग्निवेश। अब बहुत पढ़ो पढ़ो। बस बस थोड़ा थोड़ा पढ़ो। तो इस आगे आत्रेय जी क्या कहते हैं? न हिताहार उपयोगिनाम अग्निवेश तन्निमित्ताः व्याधयो जायन्ते। अग्निवेश ऐसा कहना सही नहीं है, हितकर आहार लेने से ही उसको व्याधि आया ऐसा तो नहीं है ना। उनका आंसर यह है कि हितकर आहार सेवन करने से उसको व्याधि आए ऐसा नहीं है। तो क्या है फिर? जायन्ते न च केवलम आहा हिताहार उपयोगात एव, न च केवलम
हिताहार उपयोगात एव, एव शब्द जहां पर आता है तो ये सर्टनिटी है, सिर्फ हिताहार सेवन करने से ही व्याधि आया ऐसा नहीं है, केवलम हिताहार सेवनम एव ऐसा नहीं है। तो फिर सर्व व्याधीनम व्याधि भयम इति क्रांतम भवति स शांति कृते अपि अहित आहार उपयोगाद अन्य रोग प्रकृतयः। तो ऐसा भी नहीं है कि अहितकर आहार करने से व्याधि आते ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो व्याधि आहार, अच्छे आहार विहार करने वालों को व्याधि आते हैं ऐसा भी नहीं है, और अहितकर आहार खाने वाले सब अच्छे हैं ऐसा भी नहीं है, है कि नहीं? तद्यथा, तो फिर इफेक्ट करता क्या है? हिताहार करने वाले को व्याधि कैसे होते फिर? तो उनमें कुछ और फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं, जैसे काल विपर्याह। वो हिताहार किस काल में ले रहा है? वो आपको लग रहा है वो हित कर रहा है, लेकिन वो कालातीत भोजन हो सकता है, काल विपर्य होगा। या फिर अभी देखिए, काल विपर्य, फॉर एग्जांपल सुबह अभी हमारे घर में जितने भी लेडीज होते हैं तो उनको भूख लगने पर वो खाते नहीं, सुबह का पूरा घर का काम खत्म होने के बाद ही वो नाश्ता करते हैं, थोड़ा कपड़ा बचा है वो धो लेते हैं, बर्तन बचे वो सब साफ करके पूरा किचन का काम खत्म करने के बाद ही 12-1 बजे वो खाते हैं। तो ये काल है क्या भोजन का? उनका अग्नि कब प्रदीप्त हुआ था? 10 बजे उनको भूख लगना लगेगा शायद, तो एटलीस्ट वो टाइम पे अगर वो नाश्ता करेंगे तो उस समय क्या होगा, अग्नि का संदूषित बल रहेगा, वो धातुओं का पोषण भी करेगा। ये काल जाने के बाद जो खाना खाते वो आम बनेगा। तो ऐसे आम रस से व्याधि उत्पन्न होंगे या नहीं होंगे? लेकिन वो बहुत अच्छा ही खाना खा रहे हैं, मूंग दयूष ले रहे हैं या मूंग का दाल बना के खा रहे हैं, और पुराना शाली लेके वो शाली का जो जैसे चरक ने बताया ऐसे रस बना के भी पत्ते आहार ही ले रहे हैं, फिर भी व्याधि होते हैं। क्यों? वो काल में नहीं है। ऐसे नेक्स्ट, प्रज्ञापराध, जानते हुए भी करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पता है कि रात में दही नहीं लेना चाहिए, न नक्तम दधि वंचित, लेकिन ले। और दूसरे फ्रूट सलाद नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे फ्रूट्स को एक साथ मिक्स करके आयुर्वेद की दृष्टि से गलत है, लेकिन करते हैं लोग, 2-4 फ्रूट्स खा लेते हैं एक साथ में, दूध के साथ कोई भी फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए, तो मिल्क शेक पीते हैं, एप्पल मिल्क शेक लेते हैं, मैंगो मिल्क शेक लेते हैं, तो ये क्या है? प्रज्ञापराध, जान बूझ के करना, जानते हुए करना। तो प्रज्ञापराधम इति ख्यातम सर्वदो, प्रज्ञापराध करने से क्या होता है? सभी दोष प्रकृत होता है। नेक्स्ट, शब्द स्पर्श रूप रस गंध श्वासात्म इति तश्च रोग प्रकृतयोः, पढ़ो आगे। अभी देखो, ये प्रज्ञापराध काल परिणाम और इंद्रियों का हीन मिथ्या अति मात्रा में उपयोग, शब्द स्पर्श रूप रस आदि गंध आदि का अति हीन या विषम मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल, रस जो है, अक्षी जो है, आंख है, उसका इंद्रिय है ना, उसका अति मात्रा में उपयोग, जितना देर तक देखना चाहिए उतना ही देर तक, तुम रात में भी सोना भी छोड़ के सिर्फ मोबाइल देखते बैठे, तो ये क्या है? इंद्रिय का अति उपयोग है। और कुछ लोग गांधारी जैसा आंख ही बंद करके रखेंगे तो वो क्या है? अयोग है। एक इंद्रिय का एग्जाम्पल हुआ, ऐसे ही सभी इंद्रियों के ऊपर शब्द स्पर्श रूप रस आदि इंद्रियों का भी अति मिथ्या और अकाल में इस्तेमाल, ये भी व्याधि का कारण है। तो आचार्य कह रहे हैं कि सिर्फ खाने से ही व्याधि नहीं होते, और भी फैक्टर्स है जो व्याधि का उत्पन्न करने के लिए कारण है। नेक्स्ट, तस्य रोग प्रकृतयोः रसान सम्यक उपयुञ्जानम् अपि पुरुषम
अशुभेन उपपादयन्ति। तो ऐसे आहार रस को ठीक से इस्तेमाल करने करते हुए लोगों में भी ये अशुभ उत्पन्न कर सकते हैं। क्यों, कौन से ऊपर बताए हुए? तस्मात अहित, तो इसलिए हितकर आहार लेते हुए लोगों में भी व्याधि दिखते है। ओके नेक्स्ट। अहित आहार उपयोगिनां पुनः कारणतो न सत्य दोषवान भवत अपचारः न हि सर्वान्यम् अपत्यानि तुल्य दोषानि न च सर्वं दोषस्तुल्य बलाः न च सर्वाणि शरीराणि वन्दन दो दो न च सर्वाणि मध्ये न च सर्वान्य फर्स्ट इन इट न हि सर्वान्यम् तो ये देखिए अहित आहार उपयोगिनम पुनः कारणो न सद्यो दोषवान भवति अपचारः। तो इसका मतलब है कि अहितकर आहार विहार करने से तुरंत ही कोई व्याधि उत्पन्न नहीं होगा। तो मतलब क्या है, एक बार ऐसा कुछ खा लिया तो व्याधि उत्पन्न होता है, ऐसा कहना गलत है। ओके नेक्स्ट क्या है, न ही सर्वाणि अपत्यानि तुल्य दोषाणि, और सभी जो अपत्य है वो सभी दोषों का उत्पन्न करने वाले भी नहीं है। न च सर्वे दोषस्तुल्य बलाहा, और जो अपथ्य का आप बात कर रहे हैं वो तुल्य बल नहीं है। मतलब क्या, उसका उतना बल उसमें नहीं होगा शायद। फॉर एग्जाम्पल रात में दही का इस्तेमाल उसने किया तो वो जो दही शरीर में गया वो इतना भी बलवान नहीं होगा कि उसको कफ प्रकोपित करके कोई व्याधि उत्पन्न कर दे। कैसे, इसका अग्नि का बल अच्छा होगा उससे भी, तो उसने इंटरेक्ट कर लिया, उसमें दोनों को बीच में झगड़ा हो गया तो अग्नि जीत गया, दही हार गया। एग्जाम्पल, या फिर किसी ने आइसक्रीम खा लिया तो उसका जो शीत, दूसरे दोनों आइसक्रीम खाए, एक को ठंडी हो गई एक को सर्दी हो गई, दूसरे को कुछ नहीं हुआ, तो बलवान हेतु नहीं था इसमें, इसलिए इसको व्याधि उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें उसका हेतु बलवान था इसलिए उसमें व्याधि उत्पन्न हो गया। ये बहुत काम की चीज है, बहुत डीप बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये प्रश्न ही बहुत सुंदर है ना। तो कितने लोगों को देखा जाता है कि वो अहित करते उनमें व्याधि होता नहीं है, ये आता है ना, डाउट है। और इतने अच्छे एग्जाम्पल के साथ अत्रेय जी बता रहे हैं, कितना सुंदर तरीके से उन्होंने बताया। तो क्या है, एक में क्या बताया, सभी व्याधि तुल्य करने वाले हेतु नहीं हो सकते। न च सर्वे दोषस्तुल्य बलाः, उसमें बलवान भी नहीं हो सकते कभी कभी। न च सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि भवन्ति, और वो सभी अपथ्य जो पेशेंट सेवन कर रहा है वो सभी व्याधि उत्पादक भी नहीं हो सकते। कुछ हो सकते कुछ नहीं भी हो सकते। तो इसलिए आपको लगता है कि अपथ्य कर रहा है इसको फिर भी व्याधि नहीं हो रहा है, ऐसे लगता है, लेकिन और भी फैक्टर्स है। पहले क्या फैक्टर्स बताए, जो हित आहार सेवन करने वाले में भी व्याधि कैसे हो रहे हैं उसका एग्जांपल उन्होंने बताया कि काल प्रज्ञा अपराध वगैरह। अब दूसरा एग्जांपल से ये बता रहे हैं कि जो अहितकर करता है उसको व्याधि कैसे नहीं हो रहे है, उसके लिए कारण ये तीन चार उन्होंने बताया। समझ में आया इसमें क्या, कुछ ऊपर से गया, क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। तद एव ही अपथ्यम, हाँ अभी देखिए, अगर वही दोष देश काल ऋतु और क्या है संयोग, इन सभी के हिसाब से अगर वो अपत्य है तो 100% व्याधि करेगा। उस उतना बलवान है, उतना विरुद्ध है, और पेशेंट का बल से भी वो ज्यादा है, इसकी अग्नि उतनी ठीक नहीं है, तो क्या करेगा, 100% व्याधि उत्पन्न करने में समर्थ होगा। ओके तो यहाँ पे स एव दोषः संसृष्ट योनिर् विरुद्ध उपक्रमो गंभीर अनुगतश्च स्थितः प्राणायतन समुत्थो।
इतना कष्टकर हेतु है तो ही वो व्याधि उत्पन्न करेगा, मर्मोपघाती होगा या डीप सीटेड होगा, चिरस्थाई होगा बहुत। नेक्स्ट ये शरीरों के प्रकार बता रहे अभी, कैसे कैसे शरीर होते हैं। अति स्थूल शरीर है, अति कृश है, असंगठित है, और स्थानी इष्ट मांस शोणित स्थानी, सिर्फ मांस और शोणित ही दिखता है उनमें, दुर्बलानी असम्यक है, तो ये सभी के च भवन्ति व्याधि सहानी, तो ये अव्याधि सह है उनका सत्व। नेक्स्ट असत्म्य आहार उपचितानि अव्याधि सहानी, अव्याधि सह हाँ, विपरीत जो गुण के शरीर है वो सभी व्याधि सह होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। तो व्याधि सह शरीर होने के लिए इनके विपरीत होने चाहिए, मतलब कैसे होना चाहिए, व्याधि सहत्व शरीर कैसे होना चाहिए, अति स्थूल नहीं होना चाहिए, अति कृश नहीं होना चाहिए, और उसका मांस शोणित ये सभी संगठित होना चाहिए, कॉम्पैक्ट जिसको हम कहते हैं, दुर्बल नहीं होना चाहिए। असात्म्य आहार से उपचित शरीर नहीं है, मतलब वो शरीर एक साल से असात्म्य आहार ही खा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब क्या है वो सात्म्य आहार से बना हुआ शरीर होना चाहिए, स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाया है तो वो असात्म्य है, तो व्याधि सहत्व नहीं है, शरीर दिखता बढ़िया है लेकिन उसको व्याधि बहुत जल्दी आकर्षित होता है ऐसा। नेक्स्ट हाँ, तो ऐसे ये बिहार ऐसे लोगों में ही अपत्याहार विहार करने वाले के मृदु दारुण ऐसे बहुत तरीके से व्याधियां उत्पन्न होते हैं और अफेक्ट करते हैं। ले ले आंसर अग्निवेश ऐसा कह दिया मैंने, तो इस तरह से बहुत तरीके से व्याधि उत्पन्न होते हैं जो पित्त और अहित कर आहार विहार का सेवन से होता है। तो वात पित्त श्लेष्मणाः स्थान विशेषे प्रकुपिताः, तो मतलब क्या है वात पित्त श्लेष्मा के स्थानों के आधार पर व्याधि उत्पन्न होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वात अभी आहार का असम्यक आहार सेवन हुआ, आम उत्पन्न हुआ, वो जाके जहाँ पे खय वैगुण्य यत्र संघ खय वैगुण्य व्याधि सत्र को जाए थे, अभी जाके उसने हार्ट में अपना स्थान संशय बनाया, तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, आर्टेरोस्क्लेरोसिस हो गया, तो वहाँ पे आम की निर्मिति संशय होते 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 एक दिन हार्ट का ब्लॉक हो गया, तो MI हो गया, तो व्याधि उत्पन्न हो गया वहाँ पे, तो स्थान कौन सा बना हृदय। इस तरीके से स्थानों के भेद से अभी वो ही हेतु अगर ब्रेन में हो गया तो स्ट्रोक होगा, वही संप्राप्ति हार्ट में होगा तो वो कार्डियक अरेस्ट हुआ, वही संप्राप्ति वेरिकोज वेन में हो गया, वेन्स में जाके हो गया तो वेरिकोज वेन हो गया, वही संप्राप्ति टेस्टिकल में हो गया तो कौन सा हो गया वेरिकोज सील हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे स्थानों के हिसाब से दोषों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से व्याधियां उत्पन्न होते हैं, उन सबका हेतु क्या है विविधाशीत पीत लीडर इनका असम्यक रूप से इस्तेमाल, ठीक से हितकर आहार विहार का सेवन नहीं किया तो ये व्याधि उत्पन्न होंगे। पूरा चरक संहिता में व्याधि का मूल क्या है आहार ही है, आहार ठीक नहीं है इसलिए व्याधि उत्पन्न हो रहा है, और उनके साथ साथ ये प्रज्ञापराध काल परिणाम इनका सभी का भी कॉम्बिनेशन में डिसीज होता है। ये श्लोक और दो तीन बार पढ़ो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है तभी आपको डीपली समझ में आएगा। अभी श्लोका नंबर
जाएंगे सीधा 8 पे। हाँ अभी आत्रेय जी कृपा करके ये बता रहे कि अब ऐसे कहाँ कहाँ पे व्याधि उत्पन्न होते हैं वो देखेंगे। अब बेस समझ में आपको क्या समझ में आया? चार तरीके से जो आहार विहार आहार पद्धति ब्रॉडली है उनका सम्यक इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य बनता है, असम्यक इस्तेमाल करने से व्याधि बनते हैं। सम्यक कर रहा है उसको व्याधि क्यों होते हैं ऐसा प्रश्न अग्निवेश ने पूछा। ये असम्यक आहार करता है उसको व्याधि क्यों नहीं होता है, कुछ लोग अच्छा खाते हैं तो उनको व्याधि कैसे होता है, इसका भी आंसर हमने देखा। अब कहते हैं ये जो व्याधि उत्पन्न हो रहा है वो एक एक जगह पे अगर उत्पन्न होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, लक्षण क्या होने वाले, समझ में? अब ये पढ़ेंगे। अभी रसादिषु स्थानेषु, रसादि स्थानों में मतलब क्या है? रस रक्त मांस मेधा अस्थि मज्जा शुक्र, इनके अपने अपने स्थान में व्याधि उत्पन्न होते हैं। तो प्रकुपितानाम दोषाणाम, रस में दोष प्रकुपित हो गए तो यस्मिन स्थाने ये व्याधयः संभवन्ति, जो स्थान में जो जो व्याधि उत्पन्न होने वाले हैं उन सब के बारे में अनुव्याख्यास्यामः, अभी हम व्याख्या उसकी करेंगे ऐसे आत्रेय जी कह रहे हैं। अभी फर्स्ट श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रस प्रदोषज रोगों के लक्षण है, ये इसको ही रस धातु में दोष प्रकुपित होता है तो ये लक्षण दिखते हैं ऐसा भी समझ सकते हैं। दोष जब रस धातु में प्रकुपित होते हैं तो ये लक्षण दिखते हैं, वही दोष रक्त धातु में प्रकुपित होते हैं तो अलग लक्षण दिखते हैं। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे जो रस धातु में अगर जाके ये तीनों दोष में से कोई भी दोष प्रकुपित होते हैं तो रस भी प्रकुपित हो गया तो उसके लक्षण क्या दिखते हैं? अश्रद्धा च अरुचिश्च आस्य वैरस्यम अरसज्ञता, ठीक है। अश्रद्धा आहार में श्रद्धा नहीं, अरुचि आहार में रुचि नहीं, और आस्य वैरस्य रस में विरसता है मुंह में, और अरसज्ञता। देखिए हाउ डीपली दे आर एक्सप्लेनिंग ईच, सभी का मतलब क्या है? खाना नहीं खा रहा है पेशेंट अच्छे से, है कि नहीं? लेकिन ये चार लक्षण अलग अलग है। वो टीका में देखिए, अश्रद्धायाम मुख प्रविष्टस्य आहारस्य अभिवहरणम भवेत एव परंतु अनिच्छा। अश्रद्धा का मतलब क्या है? मुख में खाना रखने को भी पेशेंट तैयार नहीं, ठीक है। मुख प्रविष्टस्य आहारस्य अभिवरणम भवेत एव परंतु अनिच्छा, मतलब मुंह में खाना रख के चबाने को भी वो रेडी नहीं है, ये अश्रद्धा है, श्रद्धा ही नहीं है उसको, खाना ही नहीं है उसको। नेक्स्ट क्या है? अरुचो तु मुख प्रविष्टम नाभिहत अव्यवहरति इति भेदः। इसमें अरुचि में मुख में आहार तो रख रहा है वो, खाना तो चाहता है वो, लेकिन उसको रुचि नहीं आ रहा है, कितना भी बढ़िया खाना दो वो खाना नहीं चाहता है, क्यों? रुचि नहीं लग रहा है। कंप्लेंट यहाँ पे भूख का नहीं है, कंप्लेंट क्या है? आहार में रुचि नहीं है। नेक्स्ट क्या है? आस्य वैरस्यम उचिताद आहारस्याद अन्यथा अन्यथात्वम। आस्य वैरस्य क्या है? आहार अच्छा ही है लेकिन उसके मुंह में वो अलग टेस्ट दे रहा है, आप स्वीट दे रहे हो उसको खट्टा लग रहा है, खट्टा दे रहे हो उसको स्वीट लग रहा है, ये क्या है? आस्य विरसता। एक एक सिम्टम को आप अच्छे से देखिए इसमें। नेक्स्ट क्या है? अरसज्ञता रसा प्रतिपत्ति ही साधः, रसा प्रतिपत्ति ही मतलब क्या है? रस समझ में ही नहीं आ रहा उसको, आप खट्टा दे रहे हो तीखा दे रहे हो कुछ भी दे रहे हो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पोस्ट कोविड वेव सीन सच केसेस, इन देम देयर इज नो टेस्ट इन द टेस्ट बड्स काम ही नहीं कर रहे उसके, तो ये रस प्रदोषज विकार है सारे
सभी में दीपन पाचन करने पर ठीक होते हैं। अश्रद्धा च अरुचिश्च आस्य वैरस्यम अरसज्ञता। समझ में आए चारों? अश्रद्धा खाना ही नहीं चाहता हो, मुंह में रखना भी नहीं चाहता है, अरुचि मुंह में रख रहा है उसको टेस्ट नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, टेस्ट नहीं लग रहा है, और अरसज्ञता में क्या व्यत्यास है फिर? अरुचि और अरसज्ञता क्या है? अरुचि में उसको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, अरसज्ञता में उसको टेस्ट ही नहीं लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा उसको, सब पूरा फीका लग रहा है। आज से वैरस्य में जो खा रहा है उसका अलग ही टेस्ट आ रहा है, वो चाहता है खट्टा, मैंगो खाने से खट्टा उसको पसंद है लेकिन वो मैंगो उसको स्वीट लग रहा है, नीम के पत्ते उसको कड़वा लगना चाहिए उसको नहीं लग रहा है, ये आज से वैरस है। समझ में? नेक्स्ट रुल्लास है। रुल्लास गौरव तंद्रा अंगमर्द ज्वर तमः। तो रुल्लास हो रहा है मतलब क्या है? जो भी खाता है वोमिटिंग सेंसेशन होता है, नौजिया होता है, वो गौरव शरीर गौरव, यहाँ पे बॉडी हैवी लगता रहता है उसको। तंद्रा, तंद्रा क्या है? नींद नहीं आ रहा है, सिर्फ जुम्बा आता रहता है उसको, अनायास जो श्रम को क्लम कहते हैं। तंद्रा को मतलब क्या है? निद्रा नहीं आ रहा है लेकिन उसको रनिंग हो रहा है, नींद आने जैसा लग रहा है, ऐसा तंद्रा। स अंगमर्दः अलोंग विथ बॉडी पेन्स, ज्वरा तो फीवर आता है। तमः, तमः का मतलब क्या है? आंखों के सामने अंधेरा आना, ये तमः। नेक्स्ट पांडुत्वम, पेलनेस, दिखने में पता चलता है ना पांडु रोगी है वैसा, पांडुत्वम। स्रोतसाम रोधः, स्रोतसों में अवरोध। क्लैब्यम, क्लैब्य अंडरलाइन करिए, रस प्रदोष जो विकार है, शुक्र नहीं है। कितने बार क्लैब्य पूछता है तो वो हम शुक्र पर हमारा नजर जाता है। क्लैब्य क्या है? क्लैब्य का लिटरल मीनिंग क्या है? अनेबल टू डू सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो चाहे वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से हो या कुछ भी और रीजन से, क्लैब्य। साध, साध मीन्स सभी एक्टिविटीज उसके डाउन है। कृशांगता, अंग कृश होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है। नाशो अग्निर, अग्नि नाश हो गया है। अयथा कालम वलय पलितानि च, जो समय में वलय पलित होना चाहिए अर्ली एज में ही वलय पलित होने लगता है। यूजुअली अबो 60 इयर्स यू शुड गेट वाइट हेयर्स, बट नाउडेज इन 30s ओनली वी आर गेटिंग वाइट हेयर्स। अयथा काल में ही वलय और पलित, वलय क्या है? झुर्रियां, फेस पर झुर्रियां पड़ने लगना, तो पलित वाइट हेयर्स होना, खालित्य भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये अयथा काल के जरा लक्षण है। क्यों हो रहा है? विविध अशित पीत लीडर ठीक नहीं है हमारा, अयथा काल में हो रहा है या प्रज्ञापराध हो रहा है, इन सभी का इस ठीक तरीके से अगर नहीं होता है तो ये अयथा काल में होता है, क्या बूढ़े जितने लगते हैं। अकाल जरा लक्षण, ठीक है, तो ये सब क्या है? रस प्रदोष, तो ये सभी व्याधि रस प्रदोष है, ये लक्षण। रस प्रदोष का मतलब क्या है? रस धातु में दोष है, रस धातु में दोष है, इसका मतलब क्या है? रस धातु ठीक से बन नहीं रहा है, बना तो भी पहुंच नहीं रहा है, तो ये बनता कैसे है? आहार का सही तरीके से इस्तेमाल करने से, सही तरीके से आहार लेने से रस धातु ठीक से बनता, बन ही नहीं रहा है, तो ये सब लक्षण होते हैं। या रस धातु विकृत बन रहा है,
तो अब भी ये अश्रद्धा अरुचि आस वैरस्य अरसन्यता उल्लास गौरव पांडुता ये सभी लक्षण आए बैठ करो श्लोक रस प्रदोष स्वीकार कफो कफो के लक्षण ज्यादा अपनी मंद है आम के लक्षण भी है इस तरह के से ये आपके सिलेबस में भी है रस प्रदोष स्वीकार ऐसा करके आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं देखो हेतु से लेके ग्रहणी अध्याय में जाके उसका अग्नि का कॉन्सेप्ट ला के इसमें डालना पड़ेगा पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा देखेंगे आप नेक्स्ट तो ये रसवा स्रोतस के दृष्टि के भी लक्षण भी है ठीक है इट इज अंडरस्टूड रसवा स्रोतो दृष्टि लक्षण क्या ऑल्सो मिमिक सिमिलर है अब रक्त प्रदोष के बारे में बोलेंगे कुष्ठ विसर्प पीड़क रक्तपित्त अश्रद्धा हाँ कुष्ठ विसर्प पीड़क रक्तपित्त रक्त प्रदोष ये सभी रक्त प्रदोष से ही रोग है नेक्स्ट गुदपाक मेड्रपाक आस्यपाक किसके लक्षण है रक्त दोष के लक्षण है मुख पाक में क्या होता है एप्थस अल्सर्स रिपीटेडली अल्सर्स हो रहा है क्यों हो रहा है रक्त दुष्ट है उसका ये रक्त प्रदोषज विकार है हम उसको पित्त शमन करते 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 बैठते उसको एक रक्त मोक्षण देना चाहिए ठीक है ना उसके बाद उसको रक्त शुद्ध होने के लिए उसका रक्त दोष में शांति होने के लिए द्रव्य देने चाहिए ग्लिसरीन लगाओ जल लगाओ ऊपर से कितने भी लगाओ वो व्रण हुआ है तो व्रण ठीक होगा लेकिन व्रण और होगा क्यों हो रहा है रक्त दुष्ट है उसका रक्त प्रदूषित है प्रदूषित कैसे हो रहा है अगेन आपके हाथ या सब जाके वहीं ठहरता है कुछ आपके किचन में नेक्स्ट बुध पाक जो बुध में होने वाले सारे पाक मेड्र पाक तो इस कैन बी infections over the male genital organs it may be you can compare it with the female genital organs also ये यहाँ पे पुरुष प्रधान लिखते हैं तो इसका understood है तो genitals male और female तो vaginitis और any inflammatories related to the genital organs तो सभी इसमें आ जाते हैं आज से पाक प्लीहा गुल्म और विद्रुतियां सारे विद्रुति विद्रुति मतलब क्या फोड़े कम से होते हैं बड़े बड़े या कोई सिस्ट के ये सभी इसमें आ जाते हैं जितने भी विद्रुति है सभी रक्त प्रदोष विदाउट रक्त दृष्टि देर इज नो उत्पत्ति ऑफ एनी विद्रुति वो सभी विद्रुति और प्लीहा रोग गुल्म नीलिका व्यंग नीलिका कामला व्यंग पिप्लवस तिलक आलका जितने भी स्किन के ऊपर दिखने वाले डिस्कलरेशंस इस तरह से समझ सकते हैं स्किन के ऊपर दिखने वाले डिस्कलरेशन इतने भी कामला इतने भी व्यंग सभी जितने भी ये बटरफ्लाई आते हैं ना पेशेंट में रैशेस बटरफ्लाई रैशेस आते हैं मेलोडर्मा होता है और जितने भी मेलानिन के सिक्रेशन के एक्सेसिव हाइपो ये सभी जितने भी केसेस आते हैं सभी रक्त प्रदोष उनमें भी रक्त की चिकित्सा करना चाहिए सिर्फ क्रीम देने से नहीं होगा अंदर से रक्त की शुद्धि करनी पड़ेगी तो इस तरह के कंडीशंस में मंजिष्ठा सारीवा आपके ड्रग्स सच एज नागकेशर मुस्ता मंजिष्ठ धमासा ये सभी द्रव्य का उपयोग करना चाहिए तो रक्त दृष्टि ठीक होता है ददृस चर्मदलह श्वित्रा जितने भी स्किन के कंडीशंस पामा कोटा अश्रक मंडल ये सभी रक्त प्रदोष से ही होते हैं ठीक है अब मांस प्रदोष देखिए जितने भी एक्सेसिव ग्रोथ है सिस्ट है ग्रोथ है वो सभी मांस प्रदोष
अधिमांस अर्बुद कील गलगंड गलशालुक पूतिमांस अलजी गंडमाला उपजीविका ये सभी मांस दोषज व्याधि है। ठीक है, नेक्स्ट मेद से जितने भी निंदित बताए निंदितानि उसमें अति स्थूल अति कृश इनको कंसिडर करना चाहिए, ये मेद प्रदोषज है। प्रमेह सभी प्रमेह मेद प्रदोषज के होते हैं और प्रमेह के पूर्व रूप केश जटिली भाव होना मुख माधुर्यता दंत के ऊपर मल ज्यादा हो जाना पिपीलिका का जब यूरिन में पिपीलिका का जमा हो जाना ये सभी लक्षण प्रमेह के पूर्व रूप में जो बताया वो सभी मेद प्रदोषज के ही लक्षण है। ठीक है, उनको लिस्ट करना। आप एग्जाम में पूछे तो प्रमेह के पूर्व रूप ऐसे नहीं लिखना, उनको लिखना क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अस्थि में अधि अस्थि अधि दंत ये सभी अस्थि प्रदोषज विकार है। अध्य अस्थि क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ। आपको एक्सरे में देते हैं तो बहुत सारे ऑस्टियोफाइट्स दिखते हैं, वो अस्थि बढ़ गया वहाँ पे। क्यों बढ़ गया है, यहाँ पे आश्रय आश्रय भाव आपको पता है, सिर्फ अस्थि और वात का ही ऐसा कॉम्बिनेशन है। वात का क्षय होने से वात के क्षय होने से अस्थि बढ़ता है, अस्थि का क्षय होने से वात बढ़ता है ना। बाकी सभी में कैसा है, रक्त क्षय होने से पित्त का भी क्षय होता है, पित्त का वृद्धि होने से रक्त की वृद्धि होती है, लेकिन ये अस्थि और वात का ही ऐसा कॉम्बिनेशन है, उल्टा है। तो इसका मतलब क्या है, अस्थि का क्षय हो रहा है तो हमें वात वृद्ध हुआ है तो वात की चिकित्सा करना पड़ेगा, तो उसमें स्नेहादि की चिकित्सा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी अस्थि प्रदोषज विकार है। उसके साथ साथ दंत अस्थि भेद शूलम विवरणता, दांत टूट जाना हड्डी टूट जाना ये सभी अस्थि के विकृत है। केश लोम नकस मश्रु दोषाः, केश के कितने भी दोष है, स्प्लिट हेयर्स वाइट और ये अपने जो हेयर्स में क्या बोलते हैं उसको रफ हेयर्स और ब्रिटल हेयर्स टूटना ये सभी अस्थि के ही विकृत लक्षण है। ठीक है, तो लोम नकस मश्रु भी नख के देखिए आप नख नेल का देखेंगे ना एक वीक तक पड़ा सकते नेल के इतने डिसीजेस है, तो नेल के कितने भी डिफॉर्म्ड कंडीशंस है सभी इसमें आते हैं, तो ये सभी अस्थि प्रदोषज विकार है। मज्जा का देखिए रुक परवाणाम श्रमो मूर्छा दर्शनम तमसस्तता, आंखों के सामने अंधेरा आना भ्रम होना मूर्छा होना। परवाओं में रुक छोटे छोटे संधियों में छोटे छोटे फिंगर्स के संधियों में भी पेन होना ये पर्व रुजा कहते हैं। अरुषाम स्थूल मूलानाम पर्वजानाम से दर्शनम, तो ये अरुषि अरुषि मतलब छोटे छोटे ये क्या बोलते हैं फोड़े पुंसी जैसा ये स्किन के ऊपर दिखना ये, और स्थूल मूलानाम पर्वजानाम बहुत बड़े बड़े स्थूल फिंगर्स वगैरह बड़े मोटे मोटे रहते हैं पेशेंट में, तो वो मज्जा सार पुरुष वगैरह में बताया आप देखे होंगे, तो ये सभी जो भी लक्षण है ये सभी मज्जा के दृष्टि के होते हैं। और शुक्र का क्या है, शुक्र से रोषात क्लैब्यम यहाँ पे भी क्लैब्य आया अहर्षणम, क्लैब्य क्या है अहर्षण क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, जब आप एंड्रोलॉजी या फिर ये अपना रसायन वाचिकरण वगैरह के ओपीडी में बढ़ते ऐसा पेशेंट आते हैं तो अहर्षण क्या है क्लैब्य क्या है, तो यहाँ पे देखिए अहर्षण मीन्स वो एक्साइट नहीं होता, क्लैब्य में एक्साइटमेंट है लेकिन उसमें ऑर्गन में एक्साइटमेंट नहीं है, समझ में आ रहा है दोनों के व्यत्यास। अहर्षण मतलब इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड बट समटाइम्स व्हेन दे गेट इंटरेस्ट दे कैन डू इंटरकोर्स, दो व्यत्यास है, एक में इंटरेस्ट प्रेजेंटली नहीं है उसे, ये अहर्षण है। तो उनकी चिकित्सा में हम आप कितने भी अश्वगंधा खिलाओ कितने भी आप
ये खिलाओ, क्या बोलते हैं इसको, मुसली पाक खिलाओ, कुछ नहीं होने वाला। क्लाइबे में मतलब क्या है उसको, ये डिटेल हिस्ट्री आप लेना, उसको पूछना वेदर द कपल इज इंटरेस्टेड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्टेड है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, तब उसका चिकित्सा बल्य ब्राह्मण ले सकते हैं। अहर्षण में उसको मानसिक स्थिति ही नहीं है दोनों का, लेकिन ऑर्गन वाइज उनका फिजिक वाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इरेक्शन ठीक से होता है, पेनेट्रेशन ठीक से होता है, एजैकुलेशन सब उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्री मैच्योर नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो ये क्या है अहर्षण। सब नॉर्मल होते हुए भी उनका मन नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। बहुत सारे पेशेंट्स में क्या हुआ रहता है, बिना मर्जी का शादी कराया, या इसका किसी और के साथ इंटरेस्ट था तो ज़बरदस्ती किसी के साथ शादी कराया, ये सब होते हैं, हिस्ट्री में आपको पता चलता है डिटेल में अगर जाएंगे तो। हमें रिजल्ट क्या चाहिए, अल्टीमेटली प्रेगनेंसी चाहिए। वैद्य का कर्तव्य क्या है, इनफर्टिलिटी ट्रीट करना है, तो इनफर्टिलिटी ट्रीट करना है तो हमें वहाँ पे शुक्र शोणित का संयोग करना है, तो उसके लिए चिकित्सा तो करना है ना। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर पर्सनल लाइफ, क्यों पूछ रहे ये सब, हमारा टारगेट क्या है, अचीव होना है हमें, तो इसलिए वहाँ पे हर्षण के लिए आपके ब्राह्मी चटा मांसी आदि द्रव्य देना है, इसलिए पूछ रहे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं उनके पर्सनल लाइफ में, समझ में। तो ये सब चीज़ें मैटर करता है। तो ये संहिता में वो लोग पागल नहीं थे कि दो दो शब्द, तीन तीन शब्द एक ही सिम्टम के ऐड किए, नहीं है। क्लैब्यम अहर्षणम, ये भी शुक्र के प्रदोष से होते हैं, समझ में। रोगी वा क्लीबम अल्प आयुर विरूपम वा प्रजायते, या फिर ऐसे रोगी को, ऐसे शुक्र प्रदोष वाले को बच्चे होते हैं, कुरूप बच्चे पैदा होते हैं, विरूप बच्चे पैदा होते हैं, हाथ पैर नहीं है, या फिर विकृत अंग के पैदा हो गए, तो ये सब शुक्र प्रदोष से ही होता है। शुक्र शोणित गर्भ, ये जो सॉरी गर्भ उत्पादन के सामग्री जो बताए, ऋतु क्षेत्र भी शंभु, ये चारों ठीक से होना चाहिए। ये चार ठीक नहीं है तो फिर वहाँ पर उत्पन्न होने वाला प्रोडक्ट भी ठीक नहीं रहेगा, है ना। फार्मेसी ठीक है तो ही मेडिसिन ठीक से बनेंगे ना, तो ऐसा प्रजायते। न च अस्य जायते गर्भः पतति प्रस्रवति अपि, एक तो इनमें गर्भ ठहरता नहीं है, ठहर गया तो टिकता नहीं, प्रस्रवति वो गर्भपात हो जाएगा, ठीक है। शुक्रम ही दुष्टम स अपत्यम सदारम बाधते नराम, तो ये शुक्र अगर दुष्ट हो गया तो बाधा उत्पन्न करेगा, जीना नहीं देगा, क्यों, अपत्य ठीक नहीं रहेंगे, सदारम बीवी बच्चों के साथ रहना उसको मुश्किल होगा, ऐसा उनका कहना, ठीक है। यहाँ पे रुकेंगे हम आज, जो नेक्स्ट जो है उसकी चिकित्सा वगैरह है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी तक हम धातुओं के प्रदोष से होने वाले विकार, ये स्रोत दृष्टि ही है, स्रोतस का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। रसव स्रोतस में विकृत होगा तो क्या होगा, यही होगा, तो यू शुड इंक्लूड दिस इन द स्रोतस, स्रोतस का मूल स्रोतस ये सब जो बताया है वहाँ पे भी उन्होंने उसका रेफरेंस दिया है ना, टीका में उन्होंने बताया ना, विविधाशित पीतीय में बताए हुए लक्षण दिखते हैं, ऐसा कहते हैं ना, तो इसलिए हम ये चैप्टर में आके इनके लक्षण पढ़े अभी, ठीक है। दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द स्रोतस विमानी अध्याय, इसको कहते हैं अनागत अतीतावेक्षण तंत्र युक्ति, मतलब विमान स्थान आगे है, पीछे आके हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, अतीत में जो हुआ है सूत्र स्थान खत्म हो गया है उसको हम फिर से जाके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो अतीत आवेक्षण है। हम कुछ सिद्धिस्थान में जाके पढ़ते हैं, अभी तो अनागत आवेक्षण है, संतृप्तियाँ हैं ये सब, जो नहीं हुआ वो पढ़ना अनागत आवेक्षण, जो पढ़ के आए फिर से वहाँ पे जाना अतीत आवेक्षण, ठीक है, समझ में आया। इसमें कोई डाउट है, डाउट्स कैसे नहीं रहेंगे, ठीक है।